नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए यहां अधिकांश लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। आजकल युवाओं का भी रुझान खेतीबाड़ी में बड़ा है, इसलिए कई युवा कृषि विज्ञान, बागवानी या हॉर्टिकल्चर से जुड़े विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चलकर वे बागवानी करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बागवानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई मायने में फायदेमंद साबित होता है। ज्यादातर लोग शौक के तौर पर बागवानी करते हैं, लेकिन यह शौक आपको मालामाल भी बना सकता है। इसके बारे में कम ही लोग सोच पाते हैं। इसमें एक बार खुद का बगान तैयार कर लेने के बाद आप उससे उपजे फसल को व्यावसायिक मंडियों में बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसे में अगर आपके पास जमीन उपलब्ध है तो आप इस बारे में विचार कर सकते हैं। इस काम में सरकार भी मदद करती है, यानी आपके जेब से ज्यादा पैसे भी नहीं जाएंगे, सरकार सब्सिडी भी देगी, जिससे आप बगान तैयार करके खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से ही बागवानी मिशन योजना चलाई जाती है। इसमें आवेदन करके आप बागवानी शुरू करेंगे और बदले में सरकार आपको इस पर सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी अलग अलग वर्गों में 35 से 90% तक मिल जाती है। बागवानी योजना के लिए बिहार में आवेदन भी शुरू है। ऐसे में जो भी आवेदन करेंगे वो इस लाभ के हकदार होंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं कि किस बगान में कितना प्रतिशत सब्सिडी मिलेगा और इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। बागवानी करने को इच्छुक लोग राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, इन दोनों योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत 3 कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पहले कार्यक्रम का नाम क्षेत्रीय विस्तार कार्यक्रम है, जिसमें आम, अमरूद, लीची, टिश्यू कल्चर केला, आंवला, जामुन, बेल, स्ट्रॉबेरी, अनानास, ड्रैगन फ्रूट, कटहल, हाइब्रिड सब्जी, फूल की खेती, ग्लैडियोलस, गेंदा, मसाले की खेती या अन्य सुगंधित पौधे की खेती करने पर प्रति इकाई की स्थापना करने पर जो भी लागत आएगी उसका 50% सरकार अनुदान में देती है। वहीं अगर इस कार्यक्रम में आप पपीते के बगान को लगाते हैं तो कुल लागत का 75% अनुदान मिलता है। वहीं अगर आप ऐसी खेती करते हैं जिसमें इनपुट लगता है तो ऐसी खेती इनपुट आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इनमें प्लास्टिक मल्च की इकाई के लिए 50% अनुदान मिलता है। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई फर्म मधुमक्खी पालन की इकाई लगाना चाहता है तो मधुमक्खी बॉक्स कॉलोनी सहित मधुमक्खी निष्कासन यंत्र, अग्र पंक्ति प्रत्यक्षण, शेड नेट हाउस, पॉली हाउस के लिए सामान्य वर्ग को 75% का सहायता अनुदान मिलता है, जबकि SC/ST वर्ग के लोगों को 90% तक का अनुदान मिलता है। साथ ही साथ प्लास्टिक कैरेट, लेनो बैग और मशरूम किट वितरण की इकाई स्थापित करने पर 90% सहायता सब्सिडी मिलेगी। तीसरे कार्यक्रम का नाम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अवयव है। इसमें खेती के बाद की चीजों की पूर्ति के लिए अनुदान मिलते हैं। पैक हाउस और आश्वन इकाई के लिए 50% सहायता अनुदान मिलता है। खेती के बाद मशीनों के जरिए फसलों को सुरक्षित रखने का काम किया जाता है, इसलिए सरकार क्रेडिट लिंक बैंक इंडेड के तहत सहायता अनुदान देती है। इसके तहत अपनी मंडी, सोलर पैनल और माइक्रो कूल चैम्बर की इकाई अगर आप लगाते हैं तो उसे स्थापित करने पर 50% आपके जेब से लगेंगे, जबकि 50% सरकार अनुदान देती है। वही इंटीग्रेटेड पैक हाउस, कोल्ड रूम, रिपेनिंग चैम्बर, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 कोल्ड चेन आदि की इकाई लगाने पर 35% का अनुदान सरकार देती है। बताते चले कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस लिंक को खोलने के बाद डैशबोर्ड पर CMHM/NHM का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें दोनों में से किसी भी योजना के लिए आवेदन करने के लिए उस पर आप क्लिक कर लें और वहां मांगे गए सभी विवरणों को भरते हुए आवेदन को पूरा किया जा सकता है। आप जिस जिले में रहते हैं वहां के सहायक निदेशक उद्यान से भी संपर्क करके सारी जानकारी को लेकर आवेदन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।